रेलवे देश की प्रगति की बैकबोन है। हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्रैक हैं वो ओवर सैचुरेटेड हैं और उन पे अपनी पूरी क्षमता के साथ पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन अब इन पे और ज़्यादा ट्रेनों को चलाना संभव नहीं है। इसके लिए फ्रेट ट्रेनों के लिए यानी कि मालगाड़ियों के लिए एक अलग से ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसको कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम दिया गया है। ईस्टर्न सेक्टर में न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है उसके एकदम पैरेलल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, और उनमें से ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रिज इलाहाबाद यानी जो कि प्रयागराज हो चुका है, वहाँ पर यमुना नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज में जितने भी पियर हैं वो सभी बन चुके हैं, अबेटमेंट बन चुके हैं, और अब इनमें गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू हो गया है। इस ब्रिज में करीब 17 स्पैन हैं, जिसमें से 7 पियर हैं जो नदी के अंदर हैं और बाकी सूखे स्थान पर नॉर्मली ड्राई स्थान पे हैं, जिनको कि बनाना आसान है। जो पियर पानी के अंदर पड़ते हैं यानी कि रनिंग वाटर के साथ जिनको कि बनाना रहता है, उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम अगले पार्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारे जितने भी पियर और अबटमेंट है ये सभी अपने पियर कैप लेवल तक बनकर तैयार हो गए हैं। अभी हम ऊपर से इनको एक जायज़ा लेंगे इनका, और अब इन पे गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू हो गया है। तो पियर एक और दो और दो और तीन के बीच में दो गर्डर लॉन्च कर दिए गए हैं और बाकी के लॉन्चिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। नॉर्मली एक गर्डर को लॉन्च करने में करीब 1 महीने का समय लगता है। तो कंसर्न इंजीनियर है, उनसे बात करने पे उन्होंने बताया कि ये हमारा पूरा गर्डर लॉन्चिंग का काम अगस्त 2019 तक ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे गर्डर्स हैं जिनको कि लॉन्च करना है, अभी केवल दो स्पैन में आधे आधे लॉन्च किए गए हैं। जो भी हम देख रहे हैं कि अबटमेंट और पियर वन के बीच में डाउन लाइन का गर्डर लॉन्च किया गया है और पियर वन और पियर टू के बीच में अप लाइन का गर्डर लॉन्च किया गया है। क्वाड कैप्टर के द्वारा लिए गए इस एरियल वीडियो में हमें दो स्पैन जो भी उन्हें बताए हैं उनको लॉन्च किया हुआ दिखाया गया है, और बाकी जगह पर इन गर्डर्स को फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। इनके विभिन्न कंपोनेंट एक अलग जगह पर फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जिनको कि साइट पर लाकर फिर यहाँ पर एक एक कंपोनेंट को जोड़कर गर्डर का शेप दिया जाता है।